हेलो एवरीवन, सो 10 नवंबर, सो आज क्या है, 10 नवंबर है, मींस आज क्या है, वर्ल्ड कैरेटोकोनस डे है। कैरेटोकोनस डे क्यों मनाते हैं, किस पर्पस के लिए मनाते हैं, देन कैरेटोकोनस क्या होता है, सो इन सब के बारे में शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कैरेटोकोनस क्या होता है। कैरेटोकोनस में क्या होता है, जो हमारी क्रैटो मीन्स कॉर्निया एंड कोनस का मीन्स है कोन शेप, जो हमारी कॉर्निया जो होती है वो कोन शेप्ड की हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं कोन शेप्ड होने के, एंड इसका क्या है, कोन शेप जो होती है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, या पेशेंट अगर रब करता है, या कोई भी बंदा क्या है आइज़ को ज़्यादा रब करता है, तो क्रैटोकोनस की कंडीशन देखने को मिलती है। क्रैटोकोनस में जैसे मैंने बताया था, जो कॉर्निया है वो कोन शेप की हो जाती है, मीन्स आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ खिंच जाती है, एक तरह से कोन शेप में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारा क्रैटोकोनस कहलाता है। एंड क्रैटोकोनस के बहुत सारे इसके सिम्टम होते हैं, इसके कारण होते हैं, एंड ये किस वजह से ज़्यादा देखने को मिलती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेशेंट को हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, मीन्स लेंटिकल पावर है, या पेशेंट आइज़ को ज़्यादा रब कर रहा है, या फिर क्या है, वो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो इन कंडीशन में मोस्ट ऑफ पेशेंट में क्रैटोकोनस देखने को मिलता है। एंड क्रैटोकोनस की एक पहचान और है, जिस पेशेंट को क्रैटोकोनस होगा उसको सिलेंड्रिकल पावर हाई होगा। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।